students come, let's see, we will have a quick look at one of the videos created by MIT Scratch. अभी हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं शुरू में जिसमें स्क्रैच में आप क्या क्या कर सकते हो उससे इंट्रोड्यूस करता हूं पहले मैं आपको बच्चों के साथ पेरेंट्स भी रहे तो अच्छा रहेगा उन्हें गाइड करना पड़ सकता है बीच बीच में ओके तो जो स्क्रैच प्रोग्राम है ये कंप्यूटर कोडिंग करने में आपकी हेल्प करता है इससे आप तरह तरह की एनिमेशंस और स्टोरीज भी बना सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे एनिमेशंस भी बना सकते हो और ये बहुत ही सिंपल होता है जैसे आप ब्लॉक रूम में पजल सॉल्व करते हो ऐसे बहुत सारे आपको पीसेस होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करो और उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के एनिमेशंस बनना चालू हो जाते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं पूरे दुनिया भर के लोग इसमें एनिमेशंस बनाते रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो या खुद के भी एनिमेशन एनिमेटेड कैरेक्टर्स बना सकते हो आप चाहो तो कंप्यूटर गेम भी बना सकते हो Okay, एक बार जब हम गेम बनाते हैं तो जैसे आप फेसबुक और ट्विटर पे या फिर गूगल क्लासरूम में मेरे साथ अभी जो कंटेंट शेयर कर रहे हो असाइनमेंट शेयर करते हो ऐसी हम जो स्क्रैच कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड उसके साथ अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं तो पूरी दुनिया भर के बच्चे एक दूसरे के साथ कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और वो शेयर करते हैं सब एक दूसरे के गेम्स देख सकते हैं एक दूसरे से सीख सकते हैं ठीक है मुझे लगता है मैक्सिमम लोग आ गए हैं तो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं हिमांश ने हैंड रेस किया हुआ है ये हिमांश क्या बोलना है आपको सर मेरे को ये एक्चुअली आई वाज आस्किंग समथिंग इज देयर एनी बिगिनर्स गाइड फॉर दिस पर्पस दिस फॉर स्क्रैच यस Yes, that is what I am going to teach. Okay, okay. Okay. So I am muting everyone now. Just अभी आप बहुत देर तक आपको सुनना पड़ेगा. उसके बाद हम last में question answer sessions लेते हैं. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले हमको scratch आप अभी सब सुनते जाइए. कुछ भी note down करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सारी important links आपको मेल पे भेजूंगा जो इसका लिंक है वो एक्सेस करने के लिए आप scratch.mit.edu पे जाते हैं तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रैच हमें सीखने की भी जरूरत क्यों है एक्चुअली जैसे आप पुराने जमाने में स्किल्स होती थी कि आपको नंबर्स लिखना आना चाहिए जैसे 1990s में आप देखे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट स्किल बन गई थी कि सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए सबको कैलकुलेशन करना आना चाहिए वैसे ही अभी 2020 या 10 में भी आप देखे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि सभी लोगों को कंप्यूटर कोडिंग करना आना चाहिए अगर बच्चे आज के समय में सिर्फ पढ़ना लिखना सीख ले तो ये सफिशियंट नहीं है कंप्यूटर कोडिंग भी एक बेसिक स्किल बन के रह जाएंगी तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत साल पहले MIT ने बच्चों के हिसाब से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग कैसे सिखाई जाए इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया था तो यूजुअली जिन लोगों को कंप्यूटर कोडिंग आती है उन्होंने फील किया होगा कि बहुत ही मुश्किल होता है मतलब उसको शुरू करना और बहुत सारे कोड्स याद करने पड़ते हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके बच्चे उसमें इंटरेस्ट खत्म कर लेते हैं अपना तो हम लोग
उसको इजी बनाने के लिए स्क्रैच यूज करते हैं। अब जिसकी ले वेबसाइट है ये ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन या साइन इन आपको दिख रहा है, इस पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए। बहुत ही सिंपल है, जो सब जगह आप करते यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद वो आपको ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए भेजेगा, तो आपका जो स्कूल वाला ईमेल आईडी है प्रिफरेबली वो डालना है आपको। और उसको ज्वाइन करने के बाद आप जो भी यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं उससे यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। स्क्रैच के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स दिखने लगेंगे। जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स पॉपुलर हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो यहाँ पे आपको फीचर्ड प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं जो क्रिएटर को अच्छे लगते हैं वो उनको डालते हैं। अब हम सीधे क्रिएट पे जाते हैं कि करना क्या है बच्चों को। ग्रेड फोर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, जो ऑफलाइन हम लोग स्क्रैच 2 यूज करते हैं। उबुंटू पे स्क्रैच 2 ही आता है अभी तक तो। आप विंडोज या फिर क्रोम ओएस यूज कर रहे हैं तो उसपे स्क्रैच 3 मिल जाएगा आपको। जस्ट एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, कोई नए लोग वेट तो नहीं कर रहे मीटिंग के लिए। स्क्रैच का ये सिंपल इंटरफेस, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड में मोशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि ये जो आपका कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे ये जो कैट है इसको हम कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये मूव 10 स्टेप्स वाला ब्लॉक यहाँ पे कॉपी किया, सपोज वो 10 स्टेप्स को 50 स्टेप्स कर दिया। अब मैं जब भी उसको सिंपल करूंगा उतने बार डबल क्लिक करने पे वो उतना आगे बढ़ जाता है। ओके, सपोज हम टर्न वाला ऑप्शन ऑन करते हैं तो उसके नीचे मैंने टर्न अरेंज कर दिया तो वो टर्न होता जाएगा। जितनी बार मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ वो टर्न होता जा रहा है। आप सिमिलरली इसकी जो लुक्स है वो भी चेंज कर सकते हैं। वो चाहे तो वो हेलो बोल सकता है सिंपल, हम यहाँ पे चाहे तो हेलो बोल ना आ रहा है उसको। यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट बार है यहाँ पे भी आप अगर क्लिक करते जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग साउंड भी दे रखे हैं कि आप कैसे साउंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं सब पहले डिलीट कर देता हूँ। सपोज हमें इस जो कैट है इसको हमें स्प्राइट नाम यहाँ पे दे रखा है उसका, तो स्प्राइट को हमें एक स्क्वायर में चलाना है। तो जो बेसिक स्टेप है सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। तो इवेंट्स वाले जो ऑप्शन है, येलो वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक फ्लैग का ऑप्शन दिखता है। तो जब व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, इस पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो जैसे ही यहाँ पे आपको एक फ्लैग दिख रहा है ये फ्लैग को जब क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके, और भी तरीके हैं स्टार्ट करने के, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद हमको क्या करना है कि वो सपोज 10 स्टेप्स चलेगा, ठीक है, फिर वो 90 डिग्री टर्न होता है और वो फिर से 10 स्टेप चलता है, फिर वो 9, उसके बाद फिर से 90 डिग्री वो टर्न होगा। अगेन 10 स्टेप्स। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बट आप बहुत ही आसान है, जो बच्चे इसमें एक बार सीखते जाएंगे वो इजीली कर पाते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत डिफिकल्टी नहीं आती है। और लास्ट में फिर से हम 10 स्टेप्स डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको वो रन करके देखता हूँ, ये बहुत जल्दी चल गया, अब हमें तो समझ में नहीं आया कि एक्चुअली वो क्या हुआ। तो ऐसे चीजों को समझने के लिए इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अलग अलग टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेन के भी ऑप्शंस आते हैं,
ये आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाने के आप अपने पेन के ऑप्शंस ऐड करते हैं। तो आपको पेन डाउन, सपोज मैंने यहाँ पे पेन डाउन इंसर्ट कर दिया, उसके बाद ये सारा काम कर रहा है। वो सबसे पहले वो फ्लैग ऑन किया, फिर पेन नीचे रखा, उसके बाद वो सब कुछ चल के दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो अब क्या होता है। स्प्राइट आप हटा के देखोगे तो दिखा आपको नीचे वो बन गया, पूरा का पूरा एक स्क्वायर बन गया है। ऐसे बहुत छोटा बना है तो मे बी उसका साइज में 10 स्टेप्स की जगह मैं 50 स्टेप्स कर देता हूँ अभी। अब हम चला के देखते हैं उसको। सो ये आपके स्क्वायर बना रहा है, वो दो बार बन जा रहा है वो। अभी और क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, जैसे यहाँ पे आपको स्प्राइट दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे ये सबसे पहले कोडिंग के सारे ऑप्शंस हैं, देन कॉस्ट्यूम्स में यहाँ पे आप चाहो तो कॉस्ट्यूम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहो तो स्प्राइट की जगह आपको कुछ और कैरेक्टर लेना है था वो भी ले सकते हो। सपोज मुझे कोई एनिमल चाहिए, मैंने बटरफ्लाई ले लिया। ओके, तो देखिए ये स्प्राइट की जगह भी वहां पे बटरफ्लाई आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे साउंड्स भी ऐड कर सकते हो आप, तो आपको जो भी अच्छे साउंड्स लगते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो बैकड्रॉप भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो बॉटम राइट कॉर्नर है। ओके, चलिए देन फाइनली अब ये प्रोजेक्ट्स को करते कैसे। यहाँ पे आप जो फाइल ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप सेव कर सकते हो इसको। अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी है, बिना अकाउंट के भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। सेव नाउ पे मैंने अभी क्लिक किया। ये जो फोल्डर ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यहाँ से जो फोल्डर सब खोलते हैं तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएंगे। जैसे अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसका नाम दे सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप इसे शेयर भी कर सकते हो। शेयर करने के लिए सिंपली शेयर बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आप इसकी लिंक कॉपी कर सकते हैं। जो भी लिंक आ रही है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पेरेंट्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा हैंड रेज करके बताइए मुझे, तो मैं क्वेश्चंस के लिए अलाउ करता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कम बताया है, तो वो इसलिए कम बताया है कि मैं चाहता हूँ बच्चे खुद से ही एक्सप्लोर करें। इसमें मेरी इंस्ट्रक्शन देने जैसा कुछ भी नहीं था, एक सिंपल गेम खेलने जैसा ही है ये। आपको बच्चों को ओपन करके देना है और उसको फिगर आउट करने दीजिए, वो खुद से सीख जाएगा। फिर यहाँ पे आप हिमांश कुछ पूछना चाहता है। ओके, यस हिमांश, आप पूछो। सर वो आपने वो साउंड का बटन कहाँ से लिया था? वो दिख जाएगा आपको बेटे, जब मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं अभी हम लोग यहाँ पे है तो डिस्कस करते जाते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। साउंड का बटन पूछ रहे हैं, जैसे साउंड का ये जो पर्पल वाला ऑप्शन है यहाँ से आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मोशन है, जब आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे कोड ऑप्शन आएगा, उसके बाद मोशन, लुक, साउंड, इवेंट, सब तरह के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब आप जब एक बार करना चालू करोगे तो एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है कि इसमें किसी ट्यूटोरियल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल्स करके एक ऑप्शन है, ऊपर सबको दिख रहा है जहाँ पे मैंने अभी माउस रखा हुआ है, ट्यूटोरियल्स। तो
आप ट्यूटोरियल्स में जब जाते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क दे रखे हैं. सपोज क्रिएट अ स्टोरी, तो अगर स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है ना उसका पूरे ट्यूटोरियल बना हुआ है. ठीक है, अब जब उस ट्यूटोरियल पे जाते हो तो वो इस तरह से स्टोरी बनेगी. ओके यस सर, समझ में आया. जैसे आप ये ट्यूटोरियल्स में जाएंगे तो जो लोग पहली बार स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे ग्रेड थ्री के जो बच्चे हैं ये पहली बार स्क्रैच कर रहे हैं, तो ट्यूटोरियल्स में जाके आप वीडियोस देखते जाना और उसमें जैसे जैसे बताते जा रहे हैं आप वो शुरू में करते जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम कैसे कर रहे हैं. ग्रेड फोर के बच्चे मेरे ख्याल से पहले से ही फेमिलियर है, बट हमारे पास जो स्कूल में हम लोग स्क्रैच 2.0 यूज करते हैं वो थोड़ा सा फीचर्स उसमें कम है, तो आप अभी घर पे यूज करोगे तो और भी नए नए फीचर्स सीख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं. अननीति, आई थिंक अनवी है ये. अनवी, यस अनवी, वेयर आर यू? कॉल पे कैसे करते हैं? क्या पूछ रहे हो बेटा? आप कॉल वाले ऑप्शन पे कैसे गए थे? समझ में नहीं आया मुझे. वो ऑप्शन था मुझे सही से आवाज नहीं आ रही. आप मुझे चैट पे लिख के भेज सकते हो क्या? ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? शायद अनवी से हमारी बात हो नहीं पा रही है अभी. आवाज जोर से सुन. हेलो. हाँ सर. अभी बोलो सर. वो जो आप ऑन वाले ऑप्शन पे गए थे जिसमें पेन आ रहा था वो आप कैसे गए थे? वो फ्लैग वाला ऑप्शन कहाँ से लाए थे? वो वाला इवेंट से ला सकते हो आप. यहाँ पे जो इवेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड. ठीक है, तो जैसे फ्लैग क्लिक करने के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप और भी ऑप्शन कर सकते हो कि जब स्पेस बार प्रेस करे, जैसे यहाँ से स्पेस बार है, या फिर अप एरो जब प्रेस होगा तब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ये आपको इवेंट से मिल जाएगा. आप चाहो तो फॉर लूप, इफ लूप भी लगा सकते हो यहाँ से, जो हमने सिखाई थी कि अगर कोई टास्क बार बार आ रहा है तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हो फॉर लूप लगा के, या फिर कोई कंडीशन सेट करके इफ लूप भी लगा सकते हैं. थैंक यू. वेलकम. देन कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी कुछ क्वेश्चंस होंगे मन में. हिमांश, सर ये डेली बेसिस पर ही करना है ना इनको? एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, मतलब ये तो हमारे इंडिया में मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं हम इस मामले में. वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे तो बच्चे जो प्रॉपर आपका ये राइटिंग वर्क है या फिर
कैलकुलेशन या जो रट्टा तोता रट्टा तो प्रतियोगिता हमारे स्कूलों में चलती रहती है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे आजकल कंप्यूटर कोडिंग के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं दिन भर, मतलब उनका जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे मतलब वहां पे कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जा रही है। आप बहुत सारे आपको वहां पे एग्जांपल्स दिख जाएंगे कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था कि बच्चे ये तो नहीं समझे कि ये हमारा आज का ही असाइनमेंट था, कल नहीं करना है। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, बल्कि उल्टा होने वाला है कि वो उसको एक बार अच्छा लगने लगेगा बच्चे को, तो आपको रोकना ना पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है कंप्यूटर कोडिंग के साथ, तो यूजुअली ऐसा होगा नहीं। लाक्ष ने एक क्वेश्चन मुझे चैट पे पूछा है मीनवाइल कि वेबसाइट कैसे ओपन करना है, तो मैं आपको URL बता देता हूँ scratch.mit.edu, पर आप अभी वरी मत कर लीजिए, मैं सारी आपको लिंक्स वगैरह ईमेल पे लिख के भी भेजूंगा। ओके, और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? पूछना है कुछ आपको? पूछो। अच्छा चलो, अब मैं ये सोच आपको फिर से, बहुत सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया था क्योंकि नोटिस भी बहुत शॉर्ट टाइम में दिया था मैंने, तो एक बार सब चीजें रिपीट कर देता हूँ कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि स्क्रैच जो है वो MIT जो दुनिया में नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है उसने बहुत पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि अमेरिकन्स ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया कि भविष्य कहाँ पे है। भविष्य जो है वो हमारी कॉपी में आंसर्स इधर से उधर नकल करने में नहीं है, ना ही बहुत सारी कैलकुलेशंस करने में है। एक्चुअली बहुत भविष्य में हर चीज कंप्यूटर्स रिप्लेस कर लेंगे, इसलिए जॉब उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो लोग कंप्यूटर कोडिंग में फेमिलियर होंगे या कंप्यूटर कोडिंग को बहुत अच्छे से कर पाते होंगे या वो लॉजिक सोच पाते होंगे। और इसकी शुरुआत जो है, जैसे हम लोग शुरू में राइटिंग वर्क या मैथ्स या सभी सब्जेक्ट बहुत अर्ली चालू करना चाहते हैं, तो हम कंप्यूटर को इतना डिलेड क्यों रखते हैं? मतलब इंडिया में कंप्यूटर कोडिंग अभी भी 8th-9th क्लास के पहले नहीं हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा डिलेड है। इसलिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को करना सिखाएं। अब जब हम कंप्यूटर कोडिंग करना सिखाते हैं तो टिपिकली जैसे स्कूल्स में C++ या जावा सिखाया जाता है वो बहुत ही बोरिंग होता है, क्योंकि आप जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर कोडिंग करी होगी उनको पता होगा कि आप सबसे पहले वो जाओ तो इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड canio.h और स्टार्ट, फिर दुनिया void करके आप कुछ लिख रहे हो, इतना लिखते लिखते ही बच्चा परेशान हो जाता है, बोलता है मुझे करनी नहीं है। सो आप ऐसे इमेजिन करिए कि अगर मुझे बाइसिकल चलानी है तो मैं बच्चों को उसके बारे में बताऊं पहले क्या है कि वो उसका पहिया कितने साइज का होता है, उसमें पेडल कैसे मारते हैं, तो उसकी सीट कितनी बड़ी होती है, सीट ऊपर नीचे कैसे होती है, ये सब चीजें अगर हम सिखाने लगे तो बच्चे को कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चा क्या चाहता है कि उसको डायरेक्ट साइकिल चलती हुई दिख जाए। तो MIT का जो स्क्रैच प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली वही करता है कि जब हम कंप्यूटर कोडिंग करते हैं तो बच्चों को इमिडिएटली रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताए थे कि ये बाकी कंप्यूटर कोडिंग से भी बहुत भिन्न है। इसमें जब आप कंप्यूटर कोडिंग कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड, जब कंप्यूटर कोडिंग कर रहे हैं तो आपको एक एनिमेशन की तरह ये दिखाई देता है। आप तरह तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं इसकी मदद से। आप ये ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पूरे दुनिया में प्रोबेबली एटलीस्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स तो हैं जो स्क्रैच पे डेली प्रोग्रामिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, तो हम उन सारे प्रोजेक्ट से सीख भी सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ट्यूटोरियल्स में जाने के बाद आप तरह तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट जैसे गेटिंग स्टार्टेड फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप इसको देखिए, एक वीडियो प्ले होगा, उसमें जो जो ऑप्शन आते जा रहे हैं एज इट इज बच्चों को करने दीजिए, और बच्चों को सिखाने की जगह सिर्फ उन्हें छोड़ दीजिए इंटरफेस देके, वो खुद से ही कोशिश करेंगे और खुद से ही सीखते जाएंगे। बहुत ही आसान है,
ये किसी भी कंप्यूटर गेम खेलने जितना आसान है, उनको धीरे धीरे करके वो खेलने दीजिए और वो खुद से ही सीखते जाएंगे। यहाँ से करने के बाद आप जब प्रोजेक्ट्स को बनाओगे ना, तो आप ये प्रोजेक्ट्स को सेव करते जाओ। फाइल ऑप्शन में से जाके आप सेव कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप वेबसाइट पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप वेबसाइट पे बार बार नहीं बना सकते हो, तो स्क्रैच का जो प्रोग्राम है वो विंडोज कंप्यूटर पे 3.0 इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आप उबंटू यूज करते हैं तो 2.0 इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको फोल्डर्स ऑप्शन दिख रहा है। फोल्डर्स में आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हो वो सारे सेव होते जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप उसको शेयर भी कर सकते हो मेरे साथ। यहाँ पे आपको शेयर ऑप्शन आएगा, शेयर करने के बाद ये लिंक कॉपी करके आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो जब आप मुझे अपने प्रोजेक्ट शेयर करते जाओगे तो मैं आपको फीडबैक दे पाऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो या कहाँ पे कोई सुधार की जरूरत है या आप कितना अच्छा कर रहे हो, मैं सभी चीजें देख पाऊंगा। ठीक है, अभी जो लोग लेट आए थे वो लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या? एक लास्ट चांस है हैंड रेस करने का। आई थिंक मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूँ आज, सब लोग भाग जा रहे हैं बीच बीच में। बीच में चलिए मैं सबको एक एक ऑप्शन देता हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं ना, तो मुझे लगता है मैं बात करनी चाहिए। वी शुड सेट एन एग्जांपल का हम एक लाइवली क्लास डिस्कस करते हैं। मैं नीलाक्ष को अनम्यूट कर रहा हूँ। नीलाक्ष आप बताओ, या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो, या फिर आपको स्क्रैच में कोडिंग करना कैसा लगा? आपने साल भर स्क्रैच में कोडिंग करी ना, तो आप बताओ आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैच बिल्कुल एक गेम की तरह है। अच्छा, तो जैसे हमारे साथ अभी हिमांश और धैर्य भी है जो पहली बार स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो उनको डर लग रहा होगा, तो आप उनको क्या बोल सकते हो? हो सकता है उनको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाऊंगा। उससे कोडिंग और नई चीजें भी सीखने को मिलती है। चलो अनवी आप कुछ बोलना चाहते हो? आपको कैसा लगा? आपने लास्ट ईयर स्क्रैच पे प्रोग्रामिंग करी ना, तो आपको कैसा लगा? हिमांश और धैर्य को बता सकते हो, बोलूं पहली बार करेंगे अभी। मुझे बहुत अच्छा लगा था स्क्रैच, उसमें शेप्स भी आते थे, हम उसमें शेप्स अपने आप बनाते थे और कुछ कुछ ट्राई कर रहे थे, तब कुछ ना कुछ बन जाता था। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं फाइनली जाने से पहले, मैं आपको हिमांश भी कुछ बोलना चाहता है, चलो उसको सुन लेते हैं पहले हम। यस हिमांश सर, मोशन से क्या होता है उसमें? मोशन से क्या होता है, यही तो एक्सप्लोर करना है। मैं सारे आंसर्स नहीं बताने वाला, खुद से सीखना है। देखो अब आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी है क्या महाभारत में? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एकलव्य नाम का एक कैरेक्टर रहता है महाभारत में, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है सीखने के लिए, मुझे धनुष चलाना सिखा दो। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं सिखाऊंगा, मैं तो सिर्फ बहुत सेलेक्टेड जो मेरे स्कूल में लोग आते हैं बस उनको सिखाऊंगा। तो एकलव्य को द्रोणाचार्य के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, तो क्या करता है कि द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाता है और उसको देख देख के सीख जाता है। और दूसरी तरफ द्रोणाचार्य के स्कूल में एडमिशन किनको मिला था? कौरवों और पांडवों को मिल गया था। तो वो सारे वहां पे पढ़ते रहते हैं, पर लास्ट में जब उनका युद्ध होता है महाभारत का, तो तब पता चलता है कि एकलव्य को भी उतना ही आता था जितना अर्जुन को आता था या दुर्योधन को भी आता था। तो बिना टीचर के भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, पर बिना टीचर के सीख जाओ तो और भी अच्छा होगा ना। ओके चलो, तो मैं अभी मीटिंग एंड करता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम भी होने वाला है जूम लिमिट का मेरा, तो सिर्फ 8 मिनट बचे हुए हैं। तो
आप लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए और सजेशंस ये है कि जो ग्रेड थ्री के बच्चे हैं वो लोग न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करें और ट्यूटोरियल्स में से जाके उन्हीं प्रोजेक्ट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें अभी शुरुआत के लिए। और जो ग्रेड फोर के बच्चे हैं ये नए नए प्रोजेक्ट खुद से बनाने की कोशिश करें, और आप क्योंकि स्क्रैच 3.0 आपके लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है तो आप भी शुरुआत करने के लिए ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, लेकिन कॉपी करने से बचना है। हमें एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाना है, हमें अपने आइडियाज बना के और उनको प्रोपोगेट करना है। अगर आप कॉपी करोगे तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेगा, आप जितने नए प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतने ही ज्यादा पॉपुलर रहोगे। ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मैं यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन, आपको कोई क्वेरीज है तो ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और प्रोजेक्ट करते टाइम कोई हेल्प आ रही होगी तो मैं बीच बीच में ऐसी लाइव इंटरेक्शन करके आप लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मे बी हम स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे से देख भी पाएंगे कि किसको क्या तकलीफ आ रही है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।